जथे नामे तथे गुणः। आजकल नाम भी हम कैसे कैसे रख रहे हैं बताओ। मृत्यु के अंत में इसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक बार देवऋषि नारद चले गए और भगवान श्री हरि से पूछा कि ये बताओ प्रभु आपका परम भक्त कौन है। लोगों को अहंकार हो जाता है ना कि मैं भगवान के ज्यादा नजदीक हूं तो मैं ही हरि भक्त हूं। कोई बात नहीं, वो चलता है। को न जन्म उस जगवाही जे पद पाए होए मद नाही। देवऋषि नारद को लगने लगा कि मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे से ज्यादा कोई हरिभक्त। कहा अच्छा हरिभक्त कौन है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जो नास्तिक था, धर्म से वैर, किसी के सुखी होने से दुख। उसके घर देवऋषि नारद गए, भैया इसका बेस और बैलेंस करो ना, वो बात नहीं है पहले वाली, मॉनिटर भी सेट करो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा नारायण नारायण नारायण। वो आदमी ने कहा कि तू निकल यहां से, पहले से दिमाग सही नहीं है, खाने पीने जैसा है, नारायण नारायण करता आ गया। भगवान के पास पधारे, कहे महाराज उसने तो मेरा अपमान किया, बोले फिर भी मेरा भक्त वही है। बोले वो तो नास्तिक है, आस्तिक है ही नहीं। बोले अगर वो नास्तिक को आस्तिक अपना आता और अगर एक क्रूर व्यक्ति भक्त बन ही जाता तो संतों की जरूरत क्या थी। फिर संतों का काम क्या था। बोले फिर बोले नीचे से हाथ ऊपर से चोट, तब जाके निकलेगी उसकी खोट। अगर एक व्यक्ति सात्विक होता, सतोगुणी होता, तो संतों की आवश्यकता कहां थी। देवऋषि नारद तुम्हारा धर्म क्या है। देवऋषि नारद ने कहा ठीक है महाराज। तो बोले ऐसा है माला और भाला साथ में, शस्त्र और शास्त्र साथ में। मिट्टी का कुमार होता ना, कुमार शेखावत है, कुमार मटका बनाता है ना तो ऊपर से खूब चिकना करता है, अंदर हाथ लगाता और चोट मारता रहता है ना, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगेगी भाई ये खोट निकलेगी नहीं। ये उपमा दे दिया। बोले जैसे कुम्हार नीचे से हाथ लगाता ऊपर से चोट मारता है, ऐसे संत हृदय से प्रेम करे लेकिन ऊपर से चाटा मारना बंद कर देगा तो शिष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए इनकी चोट मार के ही खोट निकाली जाती है। देवऋषि नारद पहुंचे, फिर वही प्रक्रिया से खावत साहब, देखना कैसा मोल्ड करते हैं बाबा लोग। ओम नमो नारायण। बोले महाराज फिर आ गए, पहले वाली बात भूल गए। बोले भाई तू तेरा काम नहीं छोड़ता, मैं मेरा क्यों छोड़ू। तीसरी बार फिर ओम नमो नारायण। अब देवऋषि नारद ने मुंह देखी बात करनी चालू कर दी, क्योंकि आजकल लोगों को झूठी तारीफ ज्यादा पसंद है ना। देवऋषि नारद ने कहा भाई तू सही कहे था, मैंने भी नारायण का रास्ता छोड़ दिया, अब मेरा तेरा एक मामला। लेकिन इत्तेफाक से उसके घर में संतान नहीं थी। कहे भाई मैंने परमात्मा के सानिध्य में एक साधना की है जिसके इतनी सकता है कि संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। और उसको इतनी कायदे से समझाया कि देवऋषि नारद से बात करते ही करते करते
उसे लगा जैसे मैं बच्चे के वात्सल्य का आनंद ले रहा हूं, इतनी ड्रीम। बोले भाई बेटा होगा ठीक है, ये प्रसाद लो, बच्चा होगा भी लेकिन शर्त है। बोले क्या? बोले बच्चा आपका होगा लेकिन नाम मैं रखूंगा। बेटा आपका होगा, नाम मैं रखूंगा, अगर ये सौदा मंजूर है तो ठीक है। तो पुत्र के आसक्ति में उसने हाँ कर दिया। क्या महाराज ठीक है? कहे ठीक है, आप नाम रख देना। नाम क्या रखोगे? देव ऋषि नारद ने कहा नारायण। फिर लट बजने की बात आ गई। बोले पार्टी छोड़ दी, फिर भी पार्टी ले रहे हो। बोले चलो नारायण नहीं रखेंगे, राधे श्याम रख देंगे। बोले तो मेरा शत्रु है, चलो सीताराम रख देंगे। बोले मेरे शादी में नहीं आया था। बोलो चलो विष्णु रख देंगे। बोले विष्णु इसलिए नहीं रखना, किसने जो शुभ काम किया मुझे माला नहीं पहना है, इसलिए इसका नाम मत रखना। अनेक अवरोध। अंत में देव ऋषि नारद ने कहा कि अब हम बच्चे का नाम रखेंगे गोविंद। और वो राजी हो गया, ठीक है गोविंद रख लेना लेकिन संतान दे दो। अब राम ने उसका क्या बिगाड़ा? राधे श्याम ने कुछ बिगाड़ा उसका? नारायण ने भी नहीं बिगाड़ा, पर उसकी नजर में ये लग गया। तो मैं कहता हूं राम को मत मानो लेकिन राम के काम को तो मान लो। अब संतों को ऐसा करना पड़ता है भाई, फिर आखिरी में वो दिखाना पड़ेगा। कि तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सर्वस्व है, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही सीता हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। इतना ही नहीं है मूर्ख मानो, तेरे अंदर भी मेरा ही वास है, फिर भी क्यों उदास है? भगवान ने इसीलिए अनेक अवतार लिए, एक में स्वीकार नहीं कर पाते ना। क्योंकि अंत समय नामकरण, आज से निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, संकल्प ले लो कि आप अपने बच्चों के नाम उसी नाम से रखोगे। क्योंकि उसका दूसरा भ्रम होगा शेखावत जी कि बच्चे का नाम अगर राधे श्याम है तो मांस मदिरा से दूर रहेगा, एक भय रहेगा, अरे यार मेरा नाम राधे श्याम है मैं गंदा काम नहीं कर सकता। लेकिन सलमान खान तो रोज करेगा, उसके पिक्चर की फोटो मत लगाया करो घरों में। बच्चों का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखे। लड़कियों का नाम भी लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, सरस्वती, कितने सुंदर सुंदर नाम है हमारे यहाँ। अभी तो अनन्या आती है, हा? शब्दों का अर्थ ही नहीं, पता नहीं कितने नाम आते हैं। हम लोग व्याकरण पढ़कर आए इसलिए उतना ज्यादा अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, है? अगर किसी का नाम भाग्यश्री है तो वास्तव में जहां जाएगी वहां भाग्योदय हो जाएगा, कि उसके नाम के अंत में श्री है और इसी बहाने उसके परिवार वाले लक्ष्मी को स्मरण करेंगे। तो जथे नामे तथे गुणा। आज यहां पर यदुवंशियों के कुलपुरोहित गर्गाचार्य जी ने, जो बड़े ही तपस्वी हैं भगवान कृष्ण के, यहां आगमन हुआ है, अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। अब किसी के घर संत आए तो मिले कैसा? संतों से कैसे मिला? हाय ऐसे मिलते हैं, बाई दा कभी रास्ते से जावे ना अपन,
रास्ता में मरी जाए कहता मोटा भाई। गुरुजी मतलब क्या कह रहा है, अभी मिले ना दोबारा मत मिलना, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा पड़ोसियों को देखने वाली आदत भी बड़ी बुरी होती है। अब आप लोग संपर्क में आ जाए, हम ध्यान योग कराते हैं, तो बैठ गए भाई साहब, आंख बंद करो, अजान मुद्रा में बैठ जाओ, बंद नेत्रों से त्रिकुटा को देखो, जिहवा मध्य में हो अमृत रस टपकेगा, एकाग्रचित होकर बैठा दिया। अब उसका ध्यान तो यहां लग रहा है पर अभिमान खत्म नहीं हुआ है, यू नो ध्यान कैसे लगेगा जब तक अभिमान खत्म नहीं हुआ। अब ऐसे बैठ गया 5 मिनट 7 मिनट ध्यान जब नहीं लगा तो यूं देखता है पड़ोसी किधर है, यार पड़ोसी का लग रहा है मेरा क्यों नहीं लग रहा है, अपनी भी खो देगा। दशा दूध है ना, दूध अपन आग पे रखते हैं ना, जब तक दूध में पानी है ना तब तक उबलता नहीं, और जब जलने लगता है तो बाहर निकल के ढूंढता है मेरा मित्र कहाँ है, मेरा मित्र कहाँ है। इसलिए अंतःकरण को झांकना चाहिए, बच्चों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। कन्हैया जी बड़े हुए हैं, धनिकासुर का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं भगवान। तो कन्हैया जी का पहला नाम क्या है, बक्षपाल। क्या है, बक्षपाल। कन्हैया जी जो बातें चल रही है ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए वक्षपाल। कन्हैया जी पहले बच्चों के पीछे जाते थे, आवाज माँ आदिशक्ति यशोदा यमुना में जा रही है पूजा करने, कन्हैया ने पकड़ लिया माँ मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा तू कैसे जाएगा, तू छोटा है चंचल है नटखट है रे कान्हा, तू वहां जाके क्या करेगा मेरे लल्ला। बच्चे समझाना बहुत कायदे से जानते हैं, कई बार हम बच्चों को दादा बोलते हैं, माँ को मनाना तो कोई इनसे सीखे, और यही बात साल भाव लेकर हम अगर भगवान को मनाए तो वास्तव में जीवन सुधर जाए। यशोदा ने कहा नहीं ले जाऊंगी, बोले कारण, बोले कारण ये है कि तू चंचल है चपल है कहीं पानी में जाएगा। अब कन्हैया जी कैसे समझा रहे, अली माँ तोतला बोलते ना बच्चे, कह रहे अरी माँ एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना, अली माँ एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, बोले हाँ, फिर मेरा ब्याह होगा, बोले हाँ, फिर तेरी बहू भी आएगी ना माँ, बोले हाँ। अरे माँ अगर मैं ये नहीं देखूंगा कि जमुना की पूजा कैसी होती है, आरती वंदना कैसी होती है, दीप दान कैसे किया जाता, तो मैं तेरी होने वाले बहू और बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। मतलब हर माँ को अपने बच्चों को भी ये संस्कार सिखाना चाहिए और ऐसी जगह पे लाना चाहिए। कन्हैया जी ने कहा माँ मैं बड़ा हो जाऊंगा, ब्याह भी होगा, सारा कुछ होगा, फिर अगर मैं ही नहीं जानूंगा कि दीप दान कैसे किया जाता तो मैं मेरे बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, इसलिए मुझे ले चल। अरे सोदा भाव में आई, भाव में आकर के सीने से लगाया, चल पड़ी। यशोदा जी जमुना के तट पे बैठकर पूजा करने लगी, दीप दान करने लगी, और हमारे नंदलाल इतने पानी में उतर गए महाराज। जमुना में उतर गए हैं, माँ की पूजा समाप्त हुई। ओ लल्ला कहा है, बोले माँ मैं तो यहाँ हूं, बोले मानेगा नहीं तू, आखिर गया ना नदी में, जमुना में
क्या कर रहा है मेरे लाल? बोले माँ, ये जो बहते हुए दीपक आ रहे हैं ना, मैं इन्हें पत्थर पत्थर से तिनारे लगा रहा हूँ। ये सारे बच्चे हैं ना, तो मैं पतल पतल से तिनाले लगा लाऊं। माँ बोलती है तो तित्ते तो तिनाले लगा देगा, बता। बोले अरे माँ, औरों का तो ठेका नहीं रखा, आज जैसे कालिंदी में बहता हुआ दीपक मेरे पास आया, मैंने किनारे लगा दिया, ऐसे कलयुग में जो कथा ज्ञान गंगा में आकर के ज्योता लगा जाएगा, उसे भवपार कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। माँ ने सीने से लगाया है, बलैया उतारी है, अब रास्ते में माँ आ रही है। तिवारी भैया, यशोदा जी ने कहा तू शादी की बात कर रहा था, बता है? अभी उम्र तेरी छोटी है, शादी की बात कर। हाँ मैया, वो तो करूंगा, रास्ते में ही रूठ गए कन्हैया। तो क्या कहते हैं, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार।